तो बहुत बहुत स्वागत है साकिब क्लासेस के एक और महत्वपूर्ण और अहम वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक सीरियस टॉपिक, बिना पढ़े बिना याद किए कॉपी कैसे लिखें। इंपॉर्टेंट बात, कमजोर छात्र इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपने कम पढ़ा भी नहीं पढ़ा फिर भी आप पास हो जाओगे। बोर्ड परीक्षा 2024 काफी नजदीक है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना पढ़े बिना याद कॉपी कैसे लिखे, एक अच्छा नंबर कैसे स्कोर किया जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या बिना पढ़े पास हो सकते हैं, अगर पास हो सकते हैं तो कैसे पास हो सकते हैं, क्या बिना पढ़े कॉपी लिखी जा सकती है, अगर लिखी जा सकती है तो कैसे लिखी जा सकती है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जो प्रश्न ना आए तो उसे कैसे लिखे, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए बिना समय गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू, आप देख लीजिए कि कॉपी को किस तरह से भरना है। ये इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी है। और देखिए, सबसे पहले आपका अनुक्रमांक होगा अंकों में, यानी आपको नंबर में अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना होगा। जैसे देखिए 22, 26, 44, 72, 99, ठीक है। आपको इस तरीके से याद भी नहीं करना है कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 22 करोड़, 64 लाख, 47,299, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप लिख सकते हैं 2226447299, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। बस आपका नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और विषय आपको हिंदी का देना है, प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र के देना है, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखिए संकेतांक क्या होता है, अभी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्लास 10 की कॉपी है हिंदी की, ये देखिए यहाँ पर जो है 801 dB, ये संकेतांक होता है, बात समझ रहे हैं। और देखिए केंद्र का नाम लिख देना है, जैसे यहाँ पर SPS इंटर कॉलेज अकबरपुर, और शुक्रवार दिन है जिस दिन आपके पेपर होगा, और आपका जो तिथि होगी यानी डेट होगी उसे आपको डाल देना है, बात समझ रहे। तो 6 नंबर तक आपको अपना कार्य करना है। अब चलिए हम बताते हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है बाबू, ठीक है। देखिए सबसे पहला नियम जो होता है, सबसे पहले सिर्फ आपको काला और नीला पेन ही लेकर जाना है, बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिर्फ आपको काले और नीले पेन का ही यूज करना है, उस अन्यथा और कोई पेन आपको यूज नहीं करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जो कि एक नंबर देने का स्रोत हो सकता है, बात समझ रहे हैं। देखिए 20 नंबर इसमें आपके 10th में 20-20 नंबर हर सब्जेक्ट में मिलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। देखिए इसमें आपकी राइटिंग ना तो देखी जाती है, ना तो आपने कितना लिखा है ये देखी जाती है, और ना ही आपने क्या लिखा है ये देखा जाता है। सिर्फ आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर 20 में से 20 ऑप्शन आपके सही है ना, तो 20 में से 20 पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव को कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। देखिए ठीक है, देखिए यहां पर एक प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान का। देखिए आप देखिए इसमें जैसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए निम्नलिखित में से दिखाई देता है कि नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए इसे मोड़ देते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। अब देखिए इसमें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इसमें आप तीसरा लगा दीजिए, उसके बाद देखिए उसके बाद इसमें आप पहला लगा दीजिए, इसमें आप दूसरा लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि हर प्रश्न में अलग अलग विकल्प होने चाहिए, उनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके जरूर सही रहेंगे। ऐसा नहीं एक ही विकल्प आपने सब में लगा दिया, ऐसा नहीं आपको करना है, बात समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला नियम आपको कौन सा फॉलो करना है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा नियम, आपको उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, यानी उसके बाद आपका लिखने वाला प्रश्न आएगा। अब लिखने वाला कैसे लिखना है, देखिए हिंदी और सामाजिक विज्ञान वगैरह तो सब लिख ले जाएंगे, लेकिन दिक्कत इंग्लिश में आएगी, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश की कॉपी लिखकर बताने वाले हैं, बात समझ आए। अब देखिए पहले नियम को समझ लो, फिर कॉपी कैसे लिखना है भी हम आपको सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे, बात समझ रहे हैं। देखिए उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पहला पेज बिल्कुल साफ सुथरा बिना काट पीट करके लिखना है। यानी पहले पेज में आपको काटना पीटना बिल्कुल नहीं है, और पहला पेज आपको बिल्कुल साफ सुथरा एक अच्छी राइटिंग बनाकर लिखना है, बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं।
ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा काम आपको क्या करना है, आपकी राइटिंग जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी बनाकर आपको पहले पेज में लिखना है। देखिए एग्जामिनर आपका पहला पेज ही देखा, पहला दूसरा पेज अगर आपका सही हो गया तो आगे की एक दो लाइन आपकी गलत भी है तो भी एग्जामिनर आप उसको सही करता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। चले आगे देखते हैं क्या आपको नियम फॉलो करना है। देखिए तीसरा रूल, आपको जब आपको कॉपी प्रश्न पत्र मिले तो कम से कम 10 मिनट तो उसे ज़रूर पढ़ना है। देखिए 15 मिनट दिए जाते हैं लेकिन कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रश्न पत्र को 10 मिनट जरूर पढ़ना है, क्योंकि बाबू आपको लिखना उखना तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए 15 मिनट आप 10 से 15 मिनट आप उसे सबसे पहले पढ़ो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉपी लिखते समय आपको गलत शब्द बिल्कुल नहीं लिखना है, गाना नहीं लिखना है, गाली और कसम मजबूरी अपनी मजबूरी को कॉपी में नहीं बताना है। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपकी क्या मजबूरी थी, क्यों आपने नहीं पढ़ा, बस उसको लिखी हुई कॉपी चाहिए तभी वो नंबर देगा, अन्यथा नंबर नहीं देगा। और देखिए कॉपी लिखते समय आपको गाना गाली कसम मजबूरी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। उसके बाद देखिए अगला स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी बातों को गौर से सुनना। जब आपको कैसे लिखना है, देखिए अब आपको कैसे लिखना है ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर है, अब इसमें हमको कुछ नहीं आ रहा है तो हम इसे कैसे लिखेंगे अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले कीवर्ड को समझो, कीवर्ड का ही खेल है। अगर आपने कॉपी में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं लिखा, अब देखिए एक क्वेश्चन पेपर है इसमें हमको कुछ नहीं आ रहा है, अब इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस सेक्शन को पढ़ेंगे। देखिए एक क्लास 12 के इंग्लिश का मॉडल पेपर है, अब देखिए इसमें सेक्शन ए रीडिंग दिया जाएगा, यानी ये अनसीन पैसेज है। अब अनसीन पैसेज आपके 15 नंबर का होता है, 10 नंबर तो इसमें मिलने ही मिलने वाले हैं बिना कुछ पढ़े। कैसे मिलेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले इसे पढ़ लेना है, मैन इज ए ग्रेजियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, ही हिज नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। बात समझे, तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, पहला प्रश्न में व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेजियस एनिमल, ग्रेगेरियस एनिमल, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इस वर्ड को खोजना है ग्रेगेरियस एनिमल। अब देखिए कहाँ लिखा है, मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दो से तीन लाइन आपको इसमें लिख देना है, लिविंग आवर लिप्स तक, मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल से लेकर इन आवर लिप्स तक आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिप्स, यानी अब आपको खोजना है नेबर्स प्ले इन आवर लिप्स। बात समझ रहे हैं, तो देखिए नेबर्स यहीं पर होगा, देखिए इन आवर लिप्स, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रेशर सोसाइटी दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिप्स, तो आपको कहाँ से लिखना है, बिकॉज से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इस व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिप्स, बिकॉज यहाँ पर लगा देना है, बिकॉज से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, आवर लिप्स से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं, आवर लिप्स तक, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, अब आपको खोजना है इक्वल टू लविंग गॉड। देखिए लव दे नेबर एज दे लव गॉड, ठीक है, तो इक्वल लविंग गॉड आपको कैसे लिखना है, ठीक है। ओके बस समझ रहे हैं, लव और गॉड आपको खोजना है, तो यहाँ से देखिए देवर देयर साइनिफिस देयर साइनिकेंस, देखिए यहाँ से आपको उठाना है और यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट कर देना है गॉड तक, ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए साफ सुथरा और सुंदर आपको लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए जैसे दो वर्ड आपने लिखा तो इसमें कम से कम एक पेन की जगह होनी चाहिए, ठीक है, एक पेन की जगह होनी चाहिए, इससे आपकी कॉपी भी अच्छे से भर जाएगी और आपको लिखने में भी आसानी होगी। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको कैसे लिखना है अभी मैं आपको समझाता हूँ। और देखिए तीसरा काम आपको क्या करना है, जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतना ही लिखना है। जैसे यहां पर देखिए तीन नंबर का क्वेश्चन है, अब यहां से लेकर अगर आप यहां तक लिखोगे दो पेज लिख दोगे तो ऐसे थोड़ी ना नंबर आपको मिलेगा,
तीन पेज का है तो कम से कम आधा से पौना पेज आपको लिखना है, यानी आधा पेज और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आपको लिखना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और अगर पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको डेढ़ नंबर तो ही लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए आता है उसके बाद, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 85 वर्ड्स। बात समझ रहे, इसमें क्या कहा जाता है, 100 से 150 वर्ड्स आपको लिखना है और ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्या है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर माई प्लान्स ऑफ फॉर फ्यूचर। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि इसमें इन्हीं तीन में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसी पर लिखो, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो सबसे पहले आपको इसको हेडिंग डाल देना है। कैसे डालना है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से वीडियो देखो, बिल्कुल सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको काले पेन का ही यूज करना है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सस्ती वाली पेन है, इसे गरीब से गरीब बच्चा भी खरीद सकता है। मैं चाहता तो 20 रुपये वाली भी पेन से लिख सकता था, लेकिन मैंने सस्ती पेन इसलिए लिखी क्योंकि गरीबों का मनोबल कम ना हो, ठीक है। देखिए इंडिया ए लैंड ऑफ, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। तो इतना आपको लिखकर ऐसे आपको लाइनिंग खींच देना है, बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाइनिंग जब आप खींचेंगे तो आपकी कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अन्यथा ना डालना चाहो तो भी आप नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आर्टिकल जो है इसमें अगर आप हेडिंग लिखेंगे तो सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर को कुछ नहीं आता तो हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय सबसे पहले आपको बताना है, इंट्रोडक्शन मान लीजिए आपने हेडिंग दे लिया। अब देखिए आपको पढ़ना तो लिखना तो आ नहीं रहा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख देना है इंडिया, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बस इतना हो गया। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको तो कुछ आ नहीं रहा तो इसलिए आपको उसी अनसीन पैसेज पर चले जाना। अब यहाँ से देखिए बीच में से आपको लिखाना है दिस रिलेशनशिप से नीड तक, यहाँ से लिखाना है, उसके बाद फिर आपको लास्ट में लिख देना है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इस तरीके से आप लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपको नंबर ज़रूर देगा, ऐसा नहीं गलत बिल्कुल नहीं काट सकता, और फुल नंबर भी नहीं देगा लेकिन आपको कुछ नंबर तो ज़रूर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीन हेडिंग अगर इसमें आप डालेंगे तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखिए आपको हेडिंग डालना है वाई, वाई इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी इंडिया को नेचुरल ब्यूटी से क्यों कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई, काले पेन से हमको नीले पेन से लिखना था, तो इसलिए देखिए जब आपकी मिस्टेक हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस मिस्टेक को हमने जानबूझकर किया ताकि आपको समझा सके, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई तब इसको आपको ऐसे नहीं करना, बस आपको कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाना है और आपको लिखना देखिए वाई इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो इसमें भी आपको करना है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी बिकॉज, फिर यहाँ से दूसरी जगह से उठाना है, ठीक है, ठीक है, बी यहाँ से आपको उठाना है देयर सैग्निफिकेशन से गॉड तक, ठीक है। इतना अगर आप लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए उसके बाद आ जाता है आपका राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली सो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वॉइस, यानी डिस्पोजेबल
का जो हमारे देश में प्रदूषित हो रहा है उसको आपको कैसे लिखना है। तो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन आप लिखते थे ये तो एप्लीकेशन उसी तरह से लिखना है। सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा, टू रहेगा, ठीक है, टू रहेगा। उसके बाद किसको लिखना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली सोयल, टू द एडिटर, ठीक है, टू द एडिटर, ठीक है, एडिटर। आप अगर कुछ डालना चाहो इसका एड्रेस वगैरह तो डाल सकते हो, जैसे न्यू दिल्ली डाल देते हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली। अब सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट देखिए हमेशा काले पेन से लिखिए। अब सब्जेक्ट कहाँ से लिखना है हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर किस बारे में लेटर लिखा जा रहा है उसी को बोला जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली सो योर कंसर्न, सो योर कंसर्न से आन, ठीक है, कंसर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से जहाँ से इनवर्टेड कॉमा लगा है, ग्रोइंग ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वायर्स, ठीक है, यहां तक आपको लिख देना है। अब आपको लिखना है सर, ठीक है, सर, यहाँ पर सबसे पहले चीज आपको, ये चीजें आपको याद करके जानी है, आई बेग टू से डैट, आई बेग टू से डैट। अब यहाँ से आपको कुछ तो आ नहीं रहा है तो आपको वहीं अनसीन पैसेज पर फिर चले जाना है। तो यहाँ से अब आपको उठाना है, देखिए इट से उठाना है और देखिए इट से उठाना है और आपको यहाँ तक लिख देना है, निबस तक, ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना और बीच बीच में, ठीक है, ध्यान दीजिए, बीच बीच में आपको कंसर्न ऑन ग्रोविंग ही डाल देना है बीच बीच में कहीं, ताकि एग्जामिनर जब आपको देखे तो आपको जान जाए कि लड़के ने सही लिखा है, ठीक है। तो 10 नंबर तो आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन आ जाता है जो कि कंपलसरी है। अब आपको देखिए क्वेश्चन को कैसे लिखना है हम आपको समझा देते हैं। देखिए अब आपका आ जाता है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, ठीक है, तो सीमापुरी यहाँ से पूछा जा रहा है और पूछा जाता है हु वाज राजकुमार शुक्ल। अब आपको इसे कैसे लिखना है, हु वाज राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, राज कुमार शुक्ल इज वेरी, ठीक है, इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और बीच बीच में आपको इसी से कीवर्ड लिख देना है, इन यहाँ से उठाना है फिर इसी अनसीन पैसेज पर चले जाना, ठीक है, यहाँ से कहीं से बीच में से आपको उठाकर, देखिए लव देयर नेबर्स, लव देयर नेबर्स से लेकर बींग्स तक आपको लिख देना है, ठीक है, और लास्ट में लिख देना है राजकुमार शुक्ल। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आप अपने बोर्ड एग्जाम में गेन करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।